माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल में दो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने आए थे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब उनके पास कोई काम नहीं बचा, देश के लिए, बेरोजगारी के लिए, किसानों की समस्याओं निदान के लिए। महंगाई कम नहीं कर रहे और कह रहे पूरे विश्व में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई है, और कहते हैं तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस कर रही है, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, हिंदू मुस्लिम की आप बार बार बात करते हो, जगह जगह आप कहीं राम मंदिर, कहीं महाकाल, कहीं कुछ करते हो, इस प्रकार का संप्रदायता भड़काने का काम करते हो। हमारा मोदी जी से अनुरोध है कि आप बेरोजगारी पर चर्चा करो, लोगों की समस्याओं का निदान करो, किसानों की समस्याएं, महिलाओं पर अत्याचार, मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, उसके बारे में बोलने के लिए आपके टाइम नहीं। मणिपुर में हिंसा चल रही है करीब 1.5-2 महीने से, उसके लिए आपके पास समय नहीं। भारत के प्रधानमंत्री हो, ट्रेन तो कोई भी चला सकता है, ट्रेन का तो गार्ड भी चला देगा, अभी झंडी दिखा देगा। आप, हमारा अनुरोध है कि आप इस तरह का काम करें। मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी है कि भाई मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार महाकाल काल में हुआ, मैं हमारे पास प्रमाण है, उनको पूरा देंगे। हमें उम्मीद है कि आप जल्दी टाइम दे, प्रमाण सहित दस्तावेज आपको सपोर्ट करेंगे, तब आपका सच्चाई हो जाएगी। मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर कार्रवाई करोगे तो देश की जनता आप पर विश्वास करने लगेगी।